हेलो बच्चों, आज मैं आपको सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक में रेडियस ऑफ क्यूबिक पढ़ाने चल रहा हूं। रेडियस ऑफ क्यूबिक आप इसमें भी रेडियस ऑफ वर्ड्स एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में एक रिलेशन आप फाइंड करोगे। द रिलेशन ऑब्टेन बिटवीन रेडियस ऑफ वर्ड एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक सिस्टम। तो आपको आज इस नए टॉपिक पे हम आपको जो रेडियस के रिलेशन में क्यूबिक सिस्टम पर बात करने चल रहे हैं, तो क्यूबिक सिस्टम पे आपको बताने चाह रहा हूं। इस रेडियस को आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप यहां पे हेडिंग में रेडियस ऑफ वर्ड्स इन क्यूबिक, क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक सिस्टम आप लेंगे इसके बीच में आपको रेडियस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये वायर्ड के पार्टिकल्स के रूप में आप यहां देख रहे हैं। यहां पे पार्टिकल का टर्म में आपको समझा रहा हूं। इसका आरएस आपने मान लिया, और यहां पे ए इक्वल टू टू आर एस के कंडीशन पे होता है। देखिए, आप यहां पे ए सी एंड डी, ये टॉपिक में आपके सामने पूरी तरह से बताने जा रहा हूं। जब रेडियस ऑफ क्यूबिक के रूप में इस देखें, सबसे मेन टॉपिक में आप देख रहे हो कि यहां पे रेडियस की बात करूंगा, वायर्ड के रूप में दिखाया जा रहा है। रेडियस वाइड के रूप में देखते हैं इसको। देखिए, आप सपोज दी रेडियस ऑफ वाइड आर वी, रेडियस ऑफ पार्टिकल आर एस, ये स्फीयर पार्टिकल के रूप में लेते हैं। तो स्फीयर पार्टिकल के रूप में हमको आपको दोनों के यहां पे रेशियो बताना है। जब दोनों के केस में देखिए, सबसे पहले इस पार्टिकल की बात हम आपको समझा रहा हूं। यहां पे पार्टिकल के रूप में आपको मैं बता रहा हूं, पार्टिकल का कंडीशन अगर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है तो ये चीज कैसे आप लेंगे। आप फैक्टर के कंडीशन पे अगर आप ले रहे हैं तो आपको स्पष्ट में आपको यहां बताने चल रहा हूं कि इसमें दिखाई पड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए रेडियस के रूप में देखिए, तो आप जानते हैं कि यहां पे ए इक्वल टू टू आर एस लेते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई टू, ये बेस्ट पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट यहां से हमने आपको डिफाइन कर दिया। और जब इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने आ गया, कैसे लिया, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच की जो एज लेंथ होती है वो ए होती है, और ए इक्वल टू टू आर एस दोनों के रेडियस के रूप में आपके सामने बताया जा रहा है।
आप यहां से केयर कीजिए, आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी से बात करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखिए आप इसमें AD इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर CD का स्क्वायर के रूप में आपने ले लिया, आपने ले लिया यहां पे AD इज इक्वल टू। इस पॉइंट आउट में आप बिल्कुल समझ रहे हैं, हम आपको यहां पे बता रहे हैं AC इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं AC, इसका RS, इसका RS जब आप लेंगे एसी के केस में अगर निकालेंगे तो सवाल यहां पे मिलेगा कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है पूरी तरह से कि एसी इक्वल टू आप क्या रखोगे और सीडी के रूप में आपने क्या देखा यहां पे। इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, अगर एसी के रूप में देखेंगे ये बी के कंडीशन पे होता है तो ए रूट टू के रूप में इसको आप मेजर कर सकते हैं। अब ए रूट टू आप मेजर करेंगे तो आपको हो जाएगा देखिए आप ये चीजें कहां से मिल सकती है, हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी से जब करेंगे तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए रूट टू के रूप में इसको मेजर करेंगे। तो देखिए यहां पे ए रूट टू आपने ले लिया और सी डी इक्वल टू ए होता है, इस पार्टिकल के बीच में यहां से जो लेंथ होती है एज ए के रूप में देखेंगे। अब जब आपने निकाला कि ए डी इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा ए रूट टू का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, आपको मिला यहां पे ए रूट टू का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए डी इक्वल टू ए रूट थ्री। अब एडी इक्वल टू ए रूट थ्री आ गया, एडी में ये आर एस होता है, ये भी आर एस के कंडीशन पे आ गया। अब आप पूरी तरह से इसको देखें, इस पूरे फाइंड आउट में करें कैसे करेंगे, यहां पे मैं आपको इसमें बता रहा हूं, जब इसको पूरी तरह से देख लेंगे। देखिए यहां पे इसके आगे यहां से लेता हूं, इस पॉइंट आउट में कर लीजिए टू आर एस इक्वल टू ये आया तो टू आर एस प्लस आर बी हो जाएगा इक्वल टू ए रूट टू के रूप में लेते हैं थ्री। अब यहां पे मिला आपको तो आर एस प्लस आर बी इक्वल टू ए रूट थ्री अपॉन टू के। अब हम इक्वेशन दो ले लिया, हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आर एस आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू ए रूट थ्री बाई टू अपॉन ए बाई टू के, ये कैंसिल हो जाएगा वन प्लस आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू रूट थ्री आर बी बाई आर एस इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन के। तो आप इसको पूरी तरह से ये फार्मूला बराबर कर लेंगे, 0.732 आएगा यहां पे, ये वैल्यू आपने नोट कर लिया। तो आप एक बार से फिर से देख लीजिए, ये रेडियस के रूप में हमने ये चीजें खास करके आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे ऊपर जो मेन टॉपिक पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू मिला है 0.732 के, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रेडियस रेशियो ऑफ
आर वी अपॉन आर एस, यानी आप यहां केयर करिए द रेशियो ऑब्टेंड बिटवीन द वायर्स एंड स्फीयर पार्टिकल इन द क्यूबिक सिस्टम नाउ एक्सक्लूड फॉर द 0.732 और द अंडर रूट 3-1 अंडर रूट 3-1 द ऑन टेकन फॉर द ट्राई एंगल बेस्ड ऑफ ए बी सी द ए रूट 2 ऑब्टेन फॉर द हियर ए सी बट इन केस ऑफ द ट्राई एंगल ए सी डी नाउ द ऑब्टेन ऑफ द ए डी इक्वल टू ए रूट 3 एंड ए रूट 3 इज हियर द पुट द वैल्यू बिटवीन द इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट नाउ द इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट देन ऑल्सो क्लियर इज नाउ द ऑप्टेन आर वी अपॉन आर एस इक्वल टू अंडर रूट 3-1 आर वी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट द रेडियस ऑफ वायर्स एंड आर एस इज ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेडियस ऑफ द स्फीयर पार्टिकल सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेशियो ऑप्टेन इन द क्यूबिक सिस्टम In the cubic system, a good important topic of the ratio of between RS and RB. The now the best topic used in the important radius of the wires in the cubic. So are the discuss in case of the cubic system. And cubic system is also now the complete of the RV upon RS is equal to under root 3-1 equal to 0.732. आपको मिल गया. तो ऐसे condition पे हम आपको ऑप्टेन कर सकते हैं या बता सकते हैं हम आपको यहाँ पे कि ये रेडियस आरबी आई आर एस के रूप में आपको दिखाई पड़ा. तो रेडियस आरबी बाई आरबी बच्चों कैसे निकाला जाता है आप देख सकते हो इन केस ऑफ द क्यूबिक सिस्टम. अब हम बेस्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जहां से आप लेते हैं रेडियस लिमिटिंग रेडियस ऑफ द ट्राई एंगल वायर्स. बहुत इंपॉर्टेंट आप क्लियर है ये टॉपिक. इस टॉपिक में ये चीजें आपको बताया जा रहा है. देखिए आप यहां पे नोट कर लीजिएगा. आइए लिमिटिंग रेडियस ऑफ ट्राइएंगुलर वायर. अभी हमने क्यूबिक के रेडियस वायर को देखा. अब हम आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं रेडियस ऑफ ट्राई एंगुलर वायर्स. आप रेडियस ऑफ ट्राई एंगुलर वायर देख लीजिए. ये आप ट्राई एंगुलर वायर बनाने जा रहे हैं.
आप देख रहे हो कि ये ट्राई एंगुलर वायर्स है, जो तीन स्फीयर थ्री स्फीयर पार्टिकल से टच में रहता है। द वायर्स सराउंडेड बाई थ्री नेबरिंग स्फीयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड ऑफ द ट्राई एंगुलर वायर्स। आप यहां पे ट्राई एंगुलर वायर में हमने एक ट्राई एंगल कंडीशन से लिया है, पी आर क्यू के कंडीशन पे आपके सामने बता रहा है। जब पी आर क्यू के कंडीशन पे अगर आपको लेते हैं ये ट्राई एंगुलर वायर के केस में, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए ट्राई एंगुलर वायर्स, ट्राई एंगुलर वायर में थ्री स्पीयर यहां पे हैं। आप देखिए इन ट्राई एंगुलर वायर्ड कवर्ड बाई थ्री स्फीयर पार्टिकल पी आर एंड क्यू, देन पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, ये पूरे कंडीशन पे आपके सामने आया इक्वल टू टू आर एस आप लेते हैं। यहां पे आप इसको देखिए, इसकी रेडियस जब आप कंडीशन बनाते हैं तो आर एस आप इसको देख रहे हैं पूरी तरह से आर एस एंड आर एस, और ये कंडीशन आपका आरबी के रूप में होता है। तो हम आपको यहां बता रहे हैं जो आपने बिल्कुल देख लिया, आप यहां से केयर करिए। ये वायर्ड ए सेंटर है, ध्यान दीजिए द सेंटर ऑफ वायर्ड इज ए। तो आप यहां से केयर करेंगे, जब आपने लिया तो वायर ए के रूप में आप यहां पे देख रहे हैं कैसे आपको दिखाया जा रहा है। देखिए आप यहां से इसमें बिल्कुल आप ले रहे हैं ए बी। अब आप यहां से देखिए ए बी अगर आप पूरी तरह से यूज कर रहे हैं तो ए बी का कंडीशन आपके सामने आ रहा है। आप यहां पे लेते हैं आर बी, आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस, क्योंकि गोले के रूप में है। वेयर एच आर बी इक्वल टू आर एस, जब आर बी इक्वल टू आर एस, क्योंकि यहां स्फीयर पार्टिकल के रूप में देखेंगे तो ये आर एस कंडीशन पूरी तरह से होता है। और इसमें जब आर ए की बात करेंगे ए आर इक्वल टू हो जाएगा आर एस प्लस आर बी आर बी। ये चीजें खास करके दिखाई पड़ गई कि आपको आर एस प्लस आर बी के दोनों कंडीशन पे, ये आर एस हुआ यहां पे आर बी का रूप लेते हैं तो आर एस प्लस आर बी दोनों आपको मिल गए हैं। अब हम पी आर बी से यूज करते हैं, पी आर बी फ्रॉम ट्राई एंगल पी आर बी। अब पी आर बी आपने ले लिया तो पी आर बी का कंडीशन आपने बिल्कुल बना लिया, यहां पे
जब पी आर बी के रूप में अगर आप लेते हैं तो आपने देखा कि इसमें कॉस ए आर बी इक्वल टू आपने ले लिया यहां पे कॉस ए आर बी। जब कॉस ए आर बी इक्वल टू आपने किया तो आप देखें कि इसमें कॉस आपने ले लिया टोटल, तो आर बी अपॉन आर ए कर लीजिए, ये आर बी अपॉन आर ए, तो आपके सामने आया ये वैल्यू आर बी इक्वल टू आपके सामने यहां आर एस आ गया, आर एस बाई ये हो जाएगा आर ए यानी ए आर, ये हो जाएगा आर एस प्लस आर बी। अब देख रहे हैं कि आर एस प्लस आर बी के रूप में इसको आप मेजर कर रहे हैं, यहां पे इसमें अब निकालेंगे दोनों के बीच में। आप देखिए जब ए आर बी कॉस ए आर बी आप लेते हैं, ए आर बी इसका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो देखिए आर कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर बी के, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इक्वल टू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर बी के। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा आर एस प्लस आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू 2/√3 के रूप में आ जाएगा। अब ये 2/√3 के रूप में वैल्यू आपने निकाल लिया, ये चीजें मिल गई कि 2/√3 की वैल्यू आपने निकाला कि अंडर रूट 3/2 से कैसे आप प्राप्त करेंगे। अब आप यहां से केयर करें और इस तरह से निकालने के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 2/√3 के रूप में अगर आप लेते हैं तो आर एस प्लस आर बी अपॉन आर एस के कंडीशन पे लिया। अब आप यहां से केयर करिए, इधर देखिए इसको आप इसी रूप में देख सकते हैं, जब ये अंडर रूट 3/2 के रूप में अगर आपने ले लिया तो अंडर रूट 3/2 तो आर एस इसको आप कर सकते हैं। अब हम आपको एक बार फिर से यहां पे बताने चल रहा हूं, इसमें ध्यान देने की बात कीजिए, इस ट्राई एंगल का केस में इसके आगे मैं यूज कर रहा हूं कैसे आप देखेंगे। इसमें सीधे आपने बिल्कुल लिया यहां से इस पॉइंट पे, देखिए आर एस प्लस आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू 2/√3, तो 1+RB अपॉन आर एस इक्वल टू 2/√3 की बात आई, RB बाई आर एस इक्वल टू हो जाएगा 2/√3-1 आरबी अपॉन आर एस इक्वल टू 2/√3/√3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आरबी बाई आर एस इक्वल टू 2-1.732/1.732 के। अब जरा ध्यान दीजिए इस चीज को कैसे आप निकाल रहे हैं, आप क्लियर करिए इसके सामने। जब ट्राई एंगल वायर्ड के रूप में इसको आप लेते हैं तो आर बी अपॉन आर एस इक्वल टू मिल जाएगा 0.155। ये वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला फॉर ट्राई एंगुलर वायर्ड्स, ये होगा आपका फॉर ट्राई एंगुलर वायर्ड के रूप में आपने इसको प्राप्त किया आरबी इक्वल टू 0.155 इंटू आर एस के। यही हमारा आपको समझाने का एक बेस्ट तरीका था कि आप ट्राई एंगुलर वायर्ड के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे। ये पूरी तरह से हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आज की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। यहां पे आप इसको देखेंगे ये खास करके दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक थी
जो हम आपको बता रहे थे कि कैसे हम ट्राई एंगुलर वाइड्स और सारे चीजों को प्राप्त करेंगे, आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक शॉर्ट नोट के पॉइंट में, बिल्कुल आप केयर करिए। ये चीज ध्यान देने की बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ये सॉलिड स्टेट के बेस्ट टॉपिक में रूप में लिया जा रहा है। नोट पॉइंट देखिए, इस टेबल में जरा देखिए, टेबल में पूरी तरह से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। इसके दो पार्ट ले लिया, पहले में यहां पे मैंने देखा आर वी बाई आर एस करेंगे और ये रेशियो हम आपको बताने चाह रहे। देखिए आप यहां पे सबसे पहले आपने ले लिया ट्राई एंगुलर वाइड के केस में। अगर ट्राई एंगुलर वाइड के केस में अगर आप लेते हैं तो सीधे आपको यहां दिखा रहा हूं कि 0.155। दूसरा आपने देखिया टेट्रा हेड्रल वाइड के रूप में, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.225। तीसरा मैंने आपको बताने चल रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वाइड में, इसकी वैल्यू आपने देखा कि 0.414 आप लेते हैं। लास्ट पॉइंट में आपने देखा क्यूबिक वाइड के कंडीशन पे जाएगा 0.732। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज कर सकते हैं, यहां पे दिखा सकते हैं आर बी इक्वल टू आर एस इंटू 0.155। इसमें दिखा सकते हैं आर बी इक्वल टू आर एस इंटू 0.225। यहां पे ले सकते हैं आर बी इक्वल टू आर एस इंटू 0.414 और लास्ट में आपको यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं हम आर बी क्यूबिक में आर एस इंटू 0.732 के। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वायर्स, ये कंडीशन आपके सामने है जो आप वायर्ड के रूप में बिल्कुल देख रहे हैं कि कैसे हम वायर्ड के रूप में प्राप्त किए हैं। तो वायर्ड का ये क्यूबिक ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ये ट्राई एंगुलर वायर्ड का कंडीशन था, टेट्राहेड्रल कंडीशन था, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक के रूप में वायर्ड के रूप में आपको बताया। वाइड ऑर्डर कंडीशन पे आपके सामने बिल्कुल सफिशियंट तरीके से आपको समझाया गया है कि कैसे आप वायर्ड प्राप्त करते हैं बिटवीन स्फीयर पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ वायर्ड के बीच। तो रेडियस ऑफ वायर्ड निकालने के लिए ट्राई एंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक वायर्ड में अलग अलग मेथड का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है। आइए सबसे बेस्ट टॉपिक आज का आपको बताने चल रहा हूं, रेडियस रेशियो या रेशियो रेडियस आप लेते हैं। ये ध्यान देने की बात है, रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल के रूप में रेडियस रेशियो के रूप में आप इसको निकालेंगे तो आप अच्छी तरह से ध्यान देने की बात करोगे कि रेडियस रेशियो कैसे निकालोगे। देखिए आप इसकी डिफिनेशन में आपको बता रहा हूं, द रेडियस द रेशियो बिटवीन आर्केटाइन
एंड और एनायन रेडियस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। देखिए आप यहां पे रेडियस रेशियो के रूप में हम आपको बता रहे हैं, आप लेते हैं रेडियस रेशियो इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस के। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि आर प्लस वेरी लेस देन और निगेटिव, ये आर प्लस जो होगा रेडियस ऑफ कैटायन लेस देन रेडियस ऑफ एनायन, मतलब कि रेडियस ऑफ कैटायन लेस देन रेडियस ऑफ एनायन। स्पेशल नोट पॉइंट, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ क्रिस्टल। शेप ऑफ क्रिस्टल बताने की कंडीशन पे आप लेंगे, ये एक बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल आपको बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज खास करके देखने की ये टॉपिक होती है जब रेडियस रेशियो के रूप में इसको मेजर करेंगे। रेडियस रेशियो के रूप में अगर आप लेते हैं तो ऐसे पॉइंट में अगर आप यहां से देखेंगे तो सीधे आपको केयर करने की बातें हैं। तो ये शेप ऑफ क्रिस्टल के रूप में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो रेडियस रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप ऑफ क्रिस्टल ये बिल्कुल पता किया जा सकता है जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जा सकता है कि ट्राई एंगुलर का है कि टेट्राहेड्रल का है कि ऑक्टाहेड्रल का है कि आपके क्यूबिक सिस्टम के रूप में बात करेंगे। आइए मैं आपको नोट पॉइंट जब आपको यहां से दिखा दे रहा हूं कि कैसे आप यूज करेंगे और इस पर हम आपको न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। यहां पे लेते हैं इस पॉइंट में दिखाने के लिए कैसे आप यूज करेंगे। देखिए आप रेडियस रेशियो इन द आयनिक क्रिस्टल के रूप में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। आप केयर करिए यहां पे इस नोट पॉइंट में जब देखेंगे R प्लस R माइनस ये इक्वल टू 0.1552 0.225, ये इसका जो CN नंबर होगा ये आपका 3 आएगा और इसकी जो क्रिस्टल होगी क्रिस्टल शेप ये होगा ट्राई गोनल प्लेनर। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं B2O3 आप ले रहे हैं एग्जाम्पल। जब आप केयर करिए तो यहां पे आपको B2O3 के रूप में एग्जाम्पल आपको मिल गया। अब आप यहां से देख रहे हैं रेडियस रेशियो का पूरा सिस्टम, इसमें ट्राई ग्रोन पैनर B2O3 बोरॉन ट्राई ऑक्साइड जो बोरिक एनहाइड्राइड के रूप में लिया जाता है। ये फर्स्ट टाइम का केस में था
सेकंड टाइम आपको बता दे रहा हूं मैं, इधर देखिए आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 0.2252 0.414, ये कंडीशन है आपके सामने टेट्रा हेडल की होती है। इसका जो सीएन नंबर होता है वो आपको पता चलेगा 4। और एग्जांपल जिंक सल्फाइड लेते हैं, आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए। तीसरी कंडीशन हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आर प्लस आर निगेटिव का रेशियो 0.4142, देखिए आप यहां 0.732 के। इसके पूरे कंडीशन पे अगर हम दिखाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका सीएन नंबर हो जाएगा 6 और एग्जांपल इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। आप यहां से देखें लास्ट स्टेप पे आपको बताने चल रहा हूं 4 पॉइंट में, इसको देखिए आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 0.732 to 1.0, ये आपका बीसीसी अर्थात क्यूबिक टर्म होता है जिसका सीएन नंबर आप लेते हैं 8 और एग्जांपल आपका सीजियम क्लोराइड। नाउ द गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेडियस रेशियो फॉर द ट्राई एंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड क्यूबिक। इफ इन केस रेशियो ऑब्टेन बिटवीन 0.155 to 0.225, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3 और क्रिस्टल सेफ हो जाएगा ट्राई एंगुलर प्लैनर, एग्जाम्पल बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। नेक्स्ट रेशियो अगर ऑब्टेन होता है 0.2252 0.414, तो इसका जो सेफ कंडीशन हमें क्रिस्टल मिल जाएगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और इसका क्वाड्रेशन नंबर 4 आएगा जिंक सल्फाइड के रूप में, इसको आप देखेंगे। अगर हम रेडियस ऑफ रेशियो जो ऑब्टेन करते हैं 0.4142 0.732 के बीच में अगर आता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रूप में हम लेते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ये कंडीशन आपका ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल कंडीशन होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सोडियम क्लोराइड लेगा। लास्ट टाइम पे अगर रेडियस रेशियो ऑब्टेन होता है फ्रॉम 0.732 to 1.0, देन ऑब्टेन क्यूबिक बीसीसी। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। द गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेडियस रेशियो द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इन केस now the obtain of the coordination number of crystals and shape of crystals which like to for the best important of the radius ratio in the ionic crystals for the trigonal planar is like to boric anhydride, tetrahedral is like to for the zinc sulfide, octahedral is like for the sodium chlorides, and last is BCC or cubic is like to for the CGM chloride. The good important topic of the radius ratio and the solid state, and the solid state best important topic huge in the radius ratio is like to best one question put here on the base of the radius ratio. कैसे आप radius ratio निकालना चाहेंगे, ये चीजें हम खास करके आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप प्लीज, यहां पे देखिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं क्वेश्चन में
राइट दी शेप एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन द गिवन रेडियस ऑफ केटायन 85 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ एनायन 90 पिकोमीटर। बहुत ही क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपसे पहले ही बताया था कि रेडियस ऑफ केटायन ऑलवेज लेस रहेगा रेडियस ऑफ एनायन से, तभी इनके शेप की हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएंगे कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा और इनका क्रिस्टल का शेप कैसा होगा। आइए देखते हैं इस टॉपिक पे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहां पे R प्लस R माइनस इक्वल टू लेंगे, यही आपका रेडियस रेशियो का फॉर्मूला हुआ। अब आप निकालेंगे इसमें R प्लस दिया हुआ है यहां पे 85 पिकोमीटर, R निगेटिव इक्वल टू 90 पिकोमीटर। अब देखिए R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 85 अपॉन 90। अब इसको सॉल्व करके आप चेक कर दीजिए कि वैल्यू कितना आता है, 85.0। अब लेते हैं यहां पे 9081, 4 and 0, फिर 0 ले लिया मैंने, और ये आपने देखा कि 4 जाएगा 0.45, फिर 0 लिया यहां पे, और ये वैल्यू एज ए पॉइंट आ रहा है। ये चीजें खास करके कैसे देखेंगे, 5, इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के 0.94 के नियर अबाउट आ रहा है, यानी देन R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.732 1.0 के बीच में होगा। तो आप कहते हैं कि ये आक्टा हेड्रल होगा, तो इसका यहां पे देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल की कंडीशन होती है, देन आपने यहां लिया इसकी वैल्यू R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू 0.94 आ रहा है, तो ये आक्टा हेड्रल हो जाएगा। अब ये आक्टा हेड्रल कंडीशन अगर आपके सामने बन गई जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू, आपने यहां दे ऑक्टा हेड्रल नहीं बल्कि ये आपका क्यूबिक होगा, क्यूबिक इज लाइक टू फॉर द क्यूबिक एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, दिस इज नोन एज द क्यूबिक नॉट फॉर द ऑक्टा हेड्रल, क्यूबिक। ये क्यूबिक कंडीशन पे आ रहा है क्योंकि 7.32 तक ऑक्टा हेड्रल आता है, लेकिन ये क्यूबिक कंडीशन से आएगा और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के रूप में हमें मेजर हो जाएंगे। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रेडियस रेशियो, देन रेडियस रेशियो इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द रिकॉग्नाइज टू द क्रिस्टल शेप एंड डिटरमिनेट द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक इन द रेडियो रेडियस रेशियो इन सॉलिड स्टेट। बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज देखा कि आपको हम कैसे यहां पे स्ट्रक्चर के रूप में कैसे आपको फाइंड आउट किए, तो नो डाउट आप पूरी तरह से रेडियस के रूप में इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, ये चीज फार्मूला ले रहे हैं। आज के स्पेशल टॉपिक में आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज किया है रेडियस रेशियो के रूप में,
तो रेडियस रिपियो के रूप में आप यहां पे बिल्कुल डिफाइन कर रहे हैं। आप से निवेदन है कि आप बिल्कुल मेरे इस आरएस पांडे क्लासेस की अगर हर एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को जो देख रहे हैं तो इसको अगर देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल कंडीशन मिलेगी। अब हमारे इस पे अगला टॉपिक में हम आपको बताएंगे दो विशेष, एक एम्परफेक्शन या लाइक टू फॉर दी, आप यहां पर देखेंगे डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। डिफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज के बाद हम इसका सिस्टम और तीन पेपर में सेलेक्ट करेंगे बोर्ड के पेपर और पूरी तरह से ये चीजें आईआईटी जेई का पेपर में और आपको नीट के पेपर जो मेडिकल में पूछे गए सवालों क्वेश्चनों को ध्यान में रख देते हैं उनके भी टॉपिक हम अपने इस यूट्यूब के पर ये बताएंगे। तो हमारे पूरी तरह से इस टॉपिक को आपको ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।